परसेंटेज का वेरिएशन जो आपका रहेगा ना, उसे दिख जाता है कि बच्चा पढ़ने में पहले बहुत अच्छा था या किस तरीके से था ना एजुकेशनली, तो वो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हो रही है परसेंटेज में तो बन सकता है क्वेश्चन, या एक जनरल इंप्रेशन जा रहा है कि देखो बच्चे की परसेंटेज स्टार्टिंग से अभी तक अच्छी जा रही है, बन सकता है। और फिर ईयर्स भी वो देखते रहेंगे यहाँ पर ना, और उसमें गैप ईयर वाला बन सकता है कि गैप ईयर क्यों लिया, अभी बीच में गैप कितना, क्योंकि उनको डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे सालों के हिसाब से ना, जैसे कब खत्म हो चुका और अभी भी आप लगे हो। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी अगर नॉर्मल है तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर स्विचिंग है आईसीएसई सीबीएसई है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये फिर वो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी बन सकता है। देखो बहुत ही है ना इलीट चीज आ गई ना यहाँ पे। और फिर आपका कोर्स तो इस ये लाइन से, और फिर आपके सब्जेक्ट्स ना, जैसे दसवीं के सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे। नॉर्मली टेंथ तक का नहीं इतना इम्पैक्ट करता, बट हाँ कोई आ गया संस्कृत हिंदी वाला बैठा हुआ है वहां पे, तो पूछ सकता है ना कि संस्कृत के बारे में थोड़ा। देखो नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू, बस हाँ इतना होना चाहिए कि अचानक से कोई मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो सॉरी सर ऐसा नहीं होना चाहिए, झट से एटलीस्ट थोड़ा सा अगर संस्कृत पढ़ी है या हिंदी पढ़ी है तो बेसिक वो पता होना चाहिए, जो हमने इसके लिए मेंस के लिए किया था ना, तो बेसिक डेफिनेशन, धातु क्या होती है ना, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है ना, इतना बेसिक थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इट टेक्स हार्डली 15 to 20 minutes, हाफ एन आवर मैक्सिमम। बट हाँ ये हो गया ना, अचानक से किसी ने क्वेश्चन पूछा पहली बार में डिफेंड कर दिया, ठीक है, उसके बाद सॉरी सर कर दिया, जनरली नहीं जाएंगे, बट कई बार ऐसा होता है ना, हिंदुत्व प्रमोट करने वाला कोई हिंदी वाला वो आ गया वहां पे और लग गया कि भाई तुम्हारा इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा तंग करें, या फिर कोई संस्कृत वाले होते हैं करेंगे थोड़ा सा छेड़ेंगे, हो सकता है। तो पहले से एक बार सोच लिया बेसिक सा थोड़ा सा हिंदी वाला। फिर आपका अगर ट्वेल्थ है ना, ट्वेल्थ में आपने आर्ट्स लिया है ना, अगर साइंस लिया है साइंस क्यों लिया, आर्ट्स लिया आर्ट्स क्यों लिया, अगर ना कई बार पूछ तो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है ना, हमारे यहाँ एक वो बना हुआ है कि भाई पढ़ने वाला बच्चा है साइंस में डालो ना, पढ़ता नहीं है इसको आर्ट्स दिला दो। पहले ऐसा था, देखो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब स्कूल्स अच्छे बन रहे हैं, लोगों को नॉलेज भी आ गई है ना, जब हम छोटे होते थे हमारा तो सीधा होता पढ़ने वाला है तो लड़का डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, था वो पर्सपेक्टिव है ना। एंड वी शुड नॉट ट्राई टू बी वेरी आइडियलिस्टिक, जो है वो है। ये भी मैं एक बात बोलूंगा, डोंट गिव अ लॉट आइडियलिस्टिक आंसर्स, बिल्कुल ऐसे नहीं है अचानक से ना सर यही है ना, जो आपका ना इतना कि इररिप्रोचेबल है ना, इम्प्रैक्टिकल, जो ऐसे होते हैं ना आइडियलिस्टिक आंसर्स, इनकी तरफ मत जाओ ना, लेट्स टॉक अ बिट प्रैक्टिकल, जो सच में है ना, जमीन का बंदा है, सेंसिबल बात कर रहा है, रियलिस्टिक बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात नहीं करनी, ये ध्यान रखना आपको। तो पहले आर्ट्स क्यों लिया भाई, ये प्रायोरिटी क्यों रखी, आईसीएसई सीबीएसई में डिफरेंस है ना, कि आईसीएसई का थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर ये चीज हो सकती है आपकी कि अगर प्लस टू के बाद स्विचिंग करी हुई है ना, जैसे साइंस पढ़ रहा था अचानक से आर्ट्स में आ गया, कॉमर्स में आ गया, अभी ये क्यों किया ना, फिर अगला वो भी होता है अब यहाँ से सिविल सर्विस के, तो ये वाला चीज आपका जो वो स्विच रहा है, आपने किस बेसिस पे स्विच किया कि अब आर्ट्स में चले गए ना। मेरा छोटा भाई है वो इंग्लिश ऑनर्स ना, उसके बाद फिर आगे मूव कर रहा है, तो भाई कहाँ आर्ट्स में ट्रिपल ई दिया था कि नहीं दिया था, है ना, जाना था जाना था, ये वाली चीजें हैं। साइंस के लिए आर्ट्स में जाना था, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपने स्विच किया होगा और आर्ट्स, फिर आपके मेनली जो आपका लास्ट ना क्वालिफिकेशन वाला है, ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन आपका या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, तो ग्रेजुएशन किस चीज में करिए आपकी ना, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें भी एक चीज देखना, वही क्वेश्चन था ना कितना पढ़ू ना सब्जेक्ट, तो ग्रेजुएशन में वो लेमैन पर्सपेक्टिव से देखो ना? और दूसरी चीज क्या है कि दे आर एक्सपेक्टिंग एन आंसर ना विच इज स्पेशलाइज्ड ना, ऐसे पढ़े लिखे आदमी का आंसर चाह रहे हो, ऐसे नहीं लेमैन आंसर दे, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लाइट आएगा आपकी तरफ और आपको उसको स्टार्ट करना है। और फिर उसके बाद दे कैन गो इनटू डेप्थ, कोई बात है मैंने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, मैं डेप्थ में जा सकता हूं है ना, फिर आपके ऊपर है। तो एटलीस्ट सिलेबस देख लो सारा ना, जैसे बेसिक क्वेश्चन वही ना जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, या आपका मैनेजमेंट कार्टोग्राफी, तो उसमें फंसाया ना कार्टोग्राफी पे, और कार्टोग्राफी सैटेलाइट पे चले गए, तो पूछेंगे अगर लिखा हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट, लिखा हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट, पूछेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट हिमाचल, हिमाचल में क्या इश्यूज है डिजास्टर मैनेजमेंट के, यहाँ पे कौन कौन से डिजास्टर होते हैं, आ सकता है, ठीक है। स्टेट क्या कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या होता है, मेंस के सिलेबस में भी था ये, फिर तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना यार आंसर, तो नहीं आंसर कर रहे हो तो फिर है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस, एक तो जो इसे वर्ड देख के, हम ये नहीं बोल रहे कि और तुम बोलो सर ये मेरे सिलेबस में तो था ही नहीं है ना, वो
इसको देखो लेमैन वाले पर्सपेक्टिव से ना, कि इंग्लिश ऑनर्स है ना, आपने जो जो पढ़े हैं उनके हिसाब से थोड़ी होगा वो इंग्लिश लिटरेचर है ना, उनको जो लिटरेचर लगता है उस हिसाब से पूछ सकते हैं, है ना, हिंदी लिटरेचर है, दर्शन, वो कुछ भी अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से लेमैन वाले क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ठीक है, और अपना सिलेबस एक बार देख लो, मैं नहीं कह रहा कि सिलेबस पढ़ लो, बट वो इंडेक्स, बुक्स के इंडेक्स देख लो, है ना, वो जो पीछे पीछे के वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, वो देख, ग्लॉसरी देख लो, ताकि बेसिक आइडिया बन जाएगी हाँ सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें रहती है। और हाँ, इतना देखो, वही दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, ये चीजें ऐसी है ना सब्जेक्ट वाली, झट से ना करने की जरूरत तब है जब बिल्कुल नहीं पता, है ना, कोई बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्ट पूछो, अदरवाइज थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए कि हाँ सर ये चीजें है, उसमें फिर ना बाकी एक बार करके डिफेंड कर दिया, आंसर दे दिया, अच्छा फिर भी दूसरे में नहीं दे रहे हो, सॉरी सर कर दिया, लेकिन ना वो नहीं होता पहले में सॉरी सर ये तो नहीं पढ़ा, ना बोलेंगे भाई ये इंजीनियरिंग करी थी, ये बताओ कुछ, या फिर ग्रेजुएशन तुम्हारी किसी चीज में, इसके बारे में बताओ, है ना सर तैयारी कर रहा था, ये तो मेरा मेंस का ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं तो आंसर नहीं दे सकता, ये तो नहीं होना चाहिए ना, तुमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में थोड़े, और इससे एटीट्यूड दिख रहा है, यू आर नॉट रेडी टू आंसर, नहीं नहीं सर अभी नहीं पता है ना, जो स्टार्ट में करते हैं हाँ भैया आपने इससे किया है पढ़ा हुआ है, तो यू शुड बी रेडी, हाँ सर अब बताइए, I'll try to answer it. नहीं हुआ तो सॉरी बोल देंगे, सॉरी तो हमारे पास हमेशा है, बट शुरू में ही नहीं होना चाहिए भागना, एस्केपिस्ट टेंडेंसी अगर दिखी ना आपकी, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखे, चमक नहीं दिखी आंख में, है ना, फिर हो जाता है कि यार ये तो भागने वाला बंदा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, है ना, इस लीडरशिप रोल पे इसने आना है, इसको कैसे ये नहीं लेना, इसको भगा दो, वो वाला एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, यस, है ना, बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, वो पता होनी चाहिए आपकी, और वही सब्जेक्ट न्यूज में भी आया होता है, रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है, कोई फेमस पर्सन है, किसी को नोबेल मिला उस चीज के लिए उस फील्ड में, है ना, तो ये अवार्ड्स है, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही है कि सब्जेक्ट पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे हम। फिर और क्या हो सकता है आपका, जैसे अगर आपने एमए करी हुई है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, कहां से करी है, तो अच्छी अच्छी जगहों पर है, तो एमए कि पीजी कर रहे हो, जेआरएफ भी दिया हुआ है ना, जेआरएफ दिया है, निकला हुआ है, अब बताओ क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, जब निकला हुआ है, जब इंटरव्यू दिया हुआ है वहां पर, है ना, पहले इससे पहले अचीवमेंट में लिखा हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है ना, निकाला हुआ है, तो ये ना क्यों क्यों नहीं जा रहे उस चीज में, व्हाई यू वांट टू कम इन टू दिस फील्ड, और नहीं होगा फिर क्या करोगे, है ना, ये वाली चीज है, तो एक ना एक बैलेंस आंसर होना चाहिए, इवन तो पीजी करी है तो फिर भी वहां पे क्या चीजें हैं जो आप नहीं चाह रहे हो, है ना, और रादर यहाँ पे क्या ऐसा मिल रहा है आपको, जैसे कि ना लीडरशिप स्किल्स है यहाँ पर, है ना, फर्स्ट हैंड लीडरशिप या फर्स्ट हैंड पार्टिसिपेशन इन द चेंज हो रहा है, वहां पे क्या होगा आपका, ठीक है, देखो घर खराब वो भी नहीं है, एक चीज समझना, ऐसा नहीं है नहीं नहीं यार वो बड़ा खराब था इसलिए सब कुछ मैं छोड़ के इधर को आ गया, ऐसा नहीं है, जो अगर आप टीचिंग करते हो, टीचिंग इज ऑल्सो नोबल प्रोफेशन, अगर आप वहां जाते हैं ना, वहां पर जो आप चेंज ला सकते थे और यहाँ पे आप चेंज ला सकते हो ना, उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन कि हाँ मैं चाह रहा था मेरे को लीडरशिप मिले, डिसीजन मेकिंग मिले, वो वहां यहाँ पर ज्यादा मोनोटोनी होगी, है ना, तो वो चीज वहां पर नहीं है, यहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना, क्यों इतने टाइम जॉब कर लिया आपने, इतना पढ़ा लिया यार ना, पढ़ा चुके हो, क्यों आना चाहते हो इधर की तरफ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, है ना, तो क्यों आप चेंज चाह रहे हो, ये रहेगा ना छोटे छोटे क्वेश्चन, तो यहाँ पर कैसा परफॉर्म करूंगा, और अगर नहीं होता है तो ठीक है आई विल गो देयर और वहां पर भी मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, है ना, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है बंदे की, ऐसा नहीं है कि इसको ये बाकी सब कुछ खराब लग रहा है, यूपीएससी ठीक लग रहा है, सच तो ये नहीं है ना, जिंदगी में और भी चीजें हैं जो अच्छी है, है ना, बस हाँ व्हेन यू आर गिवन एन ऑप्शन, है ना, व्हेन यू आर गिवन डिस्क्रिशन, यू हैव ओनली वन लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग सिविल सर्विस, अदरवाइज अदर थिंग्स आर आल्सो गुड, और भी चीजें हैं ना, वो चीज होती चाहिए, क्योंकि एक चीज देखो ना, वो कैसा इंडिविजुअल जा रहे हैं कि जो लॉजिकल हो, जो जिसने अपनी दे वांट अचीवर्स, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही थी सरकारी नौकरी चाहिए थी सिविल सर्वेंट बनना चाहता, ऐसा बंदा नहीं चाहिए उनको, दे वांट पीपल हु हैव डन समथिंग गुड इन देयर लाइफ, अपने इतनी अच्छी डिग्री करी, है ना भाई आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में करके आए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि व्हाई इनटू सिविल सर्विस नाउ, ना कि इतना अच्छा किया सब कुछ अब फील्ड छोड़ के क्यों आ रहे हो, तो इसके अलग अलग बहुत सी इसमें चीजें आ सकती है, कि पहला क्वेश्चन ये कि आपने छोड़ा क्यों, है ना, वहां उस चीज को छोड़ के यहाँ क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो इसमें क्या आंसर हो सकते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल कितने हो सब्जेक्ट पे,
ना कि अगर आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल हो, है ना, या आपको है कि, तो जब आप स्टार्ट करोगे ना कि अगर आपकी कंफर्टेबिलिटी है सब्जेक्ट में तो क्या रहेगा कि हाँ मैं इस चीज पे भी आंसर दे सकता हूँ, है ना, बट वो चीज दिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उससे दिखता है कि इंडिविजुअल में ये कॉन्फिडेंस है कि ही वुड लाइक टू फेस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट ऑल्सो बट वाई इज शिफ्टिंग, कि आप शिफ्ट क्यों कर रहे हो, कि डिसीजन मेकिंग आपको मिल रही है वो, और आपकी वो जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसको ब्यूरोक्रेसी में कैसे आप हेल्प कर सकते हो, ये वाला एस्पेक्ट रहेगा ना कि हम इसको चेंज ला सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन रहेगा कि पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आप इस फील्ड में आए क्यों थे, जैसे भाई आपने ग्रेजुएशन इस जैसे डॉक्टर है ना, इंजीनियर है, तो भाई तुमने इंजीनियरिंग करी पहली बारी में, उसके बाद तुम शिफ्टिंग चाह रहे हो, तो करी क्यों, है ना, आर्ट्स लेना था आ जाना था, आपने इतना अभी वेस्ट किया अपना टाइम, तो इसका एक जस्टिफिकेशन कि क्यों आपने इंजीनियरिंग में सिलेक्शन लिया था, क्यों घुसे थे, डॉक्टर क्यों बने थे, देखो ना बीटेक करी एमटेक करी तैयारी कर रहे क्यों किया, तो इसका क्या पहले वही ना आप अपने डिसीजन मेकिंग यहां से दिखा सकते हो कि उस टाइम पे मैंने, देखो ना उस टाइम पे उस कंडीशन के हिसाब से मैंने ठीक डिसीजन लिया था, वो अब इस सिस्टम में इस टाइम के हिसाब से आई एम स्विचिंग, है ना, तो उस टाइम पे डिसीजन क्यों था, बहुत इंपैक्ट हो सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि इस तरीके से था मेरे को कि भाई ऐसी जगह जाना था जहां से जॉब इजीली मिल सके, सिक्योरिटी सेफ्टी वाली चीज, या सोसाइटल प्रेशर, देखो सच में एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस, जैसे मैं पहली बात कही थी ना कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने वाला डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, सब यही बोलते थे, हमने अपने सीनियर्स को देखा डॉक्टर इंजीनियर, हमने बोला तैयारी करनी ट्रिपल ई निकालना है, है ना, जो पढ़ने वाले थे ट्रिपल ई निकाल के IIT चले गए, जो पढ़ने वाले नहीं थे वो जो थोड़ा ठीक पढ़ने वाले थे वो NDA में गए, है ना, जो नहीं पढ़ते थे वो आर्ट्स ले लेते थे, ये एक माइंडसेट था ना, तो उस टाइम पे वैसा ही सिचुएशन में था, उस टाइम पे मैंने ऐसा डिसीजन लिया, या फिर वो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो इनसिक्योरिटी वाली चीज थी कि जॉब होनी चाहिए उसके बाद, तो पहले मैंने वही ना फिर मैं जॉब में भी कई लोग जॉब करते हैं फिर उसके बाद आते हैं, तो पहला वो क्वेश्चन कि व्हाई यू वेंट इनटू दिस, फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि चेंज क्यों किया, स्विच क्यों कर रहे हो, तो ये वाला रहेगा कि अगर वही अगर आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, है ना, कि तो एक ही लाइफ है ना, और यहाँ पर मोनोटोनी नहीं है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, सीखने का बहुत ज्यादा चार्म है, बहुत चीजें आप सीख सकते हो और इंपैक्ट बहुत ज्यादा कर सकते हो, तो फॉर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, लीडरशिप का एक्सपीरियंस है जो मेरे को यहाँ मिलेगा, तो यही इसीलिए मैं उस चीज को लीव करके यहाँ सिविल सर्विस की तरफ आ रहा हूँ, डाइवर्सिटी है यहाँ पर, तो वो चीजें रही, तो दिस कैन बी एड्रेस्ड, और अगर आप अच्छे थे क्योंकि हाँ अगर आप इस तरह का आंसर कर रहे हो ना दिस शोज योर कॉन्फिडेंस, बट एक चीज है बी रेडी फॉर क्वेश्चन ऑन योर ओरिजिनल सब्जेक्ट, वो भी पूछ सकते हैं कि जो आपने क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना देखो पढ़ा तो मैंने अच्छे से था, देन बी रेडी फॉर दैट, और अगर आप कम कंफर्टेबल हो तो फिर इंजीनियरिंग में गया तो स्टार्टिंग में जब था तो एक प्रोसेस में चला हुआ था, फिर व्हेन आई एंटर्ड फर्स्ट ईयर हो गया, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार इंटरेस्ट नहीं बन रहा है चीजें, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली, तो ठीक है करना तो था इसमें, देखो सच में जैसा होता है, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ही हवाई बातें कर दूंगी ऐसा हो सच में जैसा होता है ना, और हाँ आपकी कंफर्टेबिलिटी कितनी उसके हिसाब से यू डिसाइड योर आंसर्स, तो मेक योर ओन आंसर्स अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ छोड़ा क्यों, स्विच क्यों किया, स्विचिंग क्यों हो रही, फिर ये क्वेश्चन भी आता है आपके इस एक्सपीरियंस से हमको क्या बेनिफिट होगा, जैसे अभी एक इंडिविजुअल है तो उससे क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम उसका IT में एक्सपीरियंस है तो आपके IT के एक्सपीरियंस से हमको क्या फायदा होगा, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो देखो तो कितनी चीजें हम हिट कर सकते थे, और उस लेकिन इसके लिए देखो हमको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, स्टेट में IT में इतना कुछ हो रहा है, हिमजानी गवर्नेंस ठीक है ना, IT हर जगह यूज हो रही है ना, IT से करप्शन कम हो रही है, कितनी चीजें IT में है ना, उसका इशू क्या बना, उसने बहुत हाई फाई वर्ड यूज करने शुरू कर दिए, है ना, और वही मेरे वगैरह जी क्या पूछ रहे हैं, है ना, वाईफाई यूज पूछ रहे हैं, है ना, मॉडम पूछ रहे हैं, राउटर, ऐसे ऐसे वर्ड्स, देखो वो तो जर्नलिस्टिक वर्ड यूज करेंगे ना, और उसने बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स यूज करने शुरू कर दिए, डाटा सिक्योरिटी मेटा डाटा उसमें भी अंदर अंदर जा रहा है, और वो कह रहा है कि उन्होंने तो यार बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे मेरे से, और दूसरी बात कि ना मैंने उनको बहुत हाई फाई बात बता दी थी, आप समझ रहे हो, वही मैं बात कर रही हूं, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो लेमैन वाले पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करो, टर्मिनोलॉजी पर्सपेक्टिव, और चेंज क्या ला सकते हो, वो बात ही नहीं करी जो उन्होंने रोज रोज सुनी है, सबको पता है हमको ना IT हिमस्वान है ना, इतना चेंज हो रहा है, फिर कितनी जगह पर वो चेंजेस आ रहे हैं, वो जरूरी है, तो बेनिफिट सिविल सर्विस में क्या होगा,
और एक और चीज की जो आपकी देखो ना, ये तो होता है डायरेक्ट बेनिफिट, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता है, जैसे कि जो हमारे नॉलेज बेस है ना, ये हमको ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं है ना, ऑब्जेक्टिविटी है उसके अंदर, जैसे हमारा एक तरीका होता है ना कि हमने स्टार्ट किया उसको, वी टेक अ हाइपोथेसिस, फिर उसको प्रॉपरली रैशनली साइंटिफिकली उसको देख रहे हैं, तो एक एटीट्यूड बन जाता है लोगों का, तो दैट कैन बी यूज्ड, आप ये बता सकते हो इस चीज को है ना, अपनी जो आपकी जो भी सब्जेक्ट है या जो भी आपने किया है अपनी लाइफ में उसको इस तरीके से कि हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स है उसको पढ़ के मेरे को क्या क्या फायदा होगा, किस तरीके से वो अप्लाई की जा सकती है, ज्योग्राफी है क्या इंपैक्ट हो सकता है उसका, सिविल सर्विस में उसका क्या बेनिफिट है, या एक तरह फिलोसफिकल आस्पेक्ट थोड़ा सा वो इनडायरेक्टली ना एक अच्छा इमेज क्रिएट करता, तो ये वाला आस्पेक्ट उसको बनाना। और ये कई बार लास्ट में से क्वेश्चन भी पूछ लेते कि भाई तुम्हारे ऊपर सरकार ने इतना खर्चा किया है, इतने तुम्हारे पैसे लगा दिए हैं, क्या गलत नहीं है कि इतना पैसा तुम पे लगा, तुमको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तो उसके बाद तुम छोड़ के जा रहे हो, तुमको इधर आना है, सरकारी नौकरी में आना है, तो इसका भी एक लेजिटिमेट सा आंसर बनाना पड़ेगा कि क्यों छोड़ रहे हो भाई, है ना, गवर्नमेंट को लॉस होगा पैसे का। तो इसमें भी कुछ कुछ चीजें देखना, जैसे कि साइंस वाले पे खर्चा हुआ है ठीक है, आर्ट्स वाले पे भी हो रहा है ना, ये भी है। दूसरी चीज की छोड़ के तो नहीं जा रहे हो, है ना, देश तो नहीं छोड़ रहे हो, यहीं रहोगे, यू वॉन्ट टू गिव बैक टू दी सोसाइटी। और एक और चीज है कि यू आर नॉट लिविंग योर नॉलेज, यू आर ट्राइंग टू गिव एन एक्सपेंशन टू दैट, ज्यादा बड़ा कर रहे हो उस नॉलेज को, ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट लाना चाह रहे हो। जैसे ना पहले आप मान लो कि यहाँ पर सिंपली प्रोफेसर होते, अब आप एजुकेशन पॉलिसी में जा सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो, अगर आप इंजीनियर बनते हैं यहाँ से, है ना, तो क्या कितना चेंज ला पाते हो। और अब जब आप यहाँ पर एंटर कर चुके सिविल सर्विस में जाओगे, है ना, तो कितना पॉलिसी मेकिंग में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस लाए जा सकते हैं, एंड यू विल मेनी फोल्ड गिव बैक व्हाट यू हैव टेकन, ऐसा तो। और एक चीज है कि क्वेश्चन को आप कितनी सुंदरता से आंसर करते हो, ये बात है, डॉजिंग वाली बात है, बस खत्म हो गई, बच गए, बचने वाला नहीं, किस तरीके से। और जस्टिफिकेशन मैटर्स, है ना, कुछ भी बोलो, अच्छे से बोल रहे हो, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के ना भी कर रहे हो ना, है ना, एकदम कॉन्फिडेंस से ना कर रहे हो, शिद्दत से ना कर रहे हो, तो और अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, खराब सा फेस बना के दे रहे हो, खराब इंप्रेशन जाएगा, तो ये बात। फिर कि आप तो यार अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, आप किसी की नौकरी खा रहे हो, वहां पर भी तुमने सीट खाई, है ना, अब और फिर यहाँ पे खराब करो, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बी बैलेंस्ड, बी रैशनल यहाँ पे, कि एक टाइम पे दो जॉब तो नहीं कर सकते, अब अगर आपने वहां पर जॉब छोड़ी है, समबडी एल्स विल गेट इट, इस तरीके से ना आप अपने अच्छे तरीके से उसको डिफेंड करो जो भी आपने डिसीजंस लिए लाइफ में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप जैसे ये जो शिफ्टिंग रहेगा, या आपने जैसे जॉब करी है, जॉब क्यों करी, फिर कुछ लोग कहते हैं जैसे जॉब छोड़ दी है, ठीक है ना, जॉब छोड़ी है तो जॉब क्यों छोड़ी, है ना, इसका रीजन प्रॉपर आपको देना पड़ेगा कि जैसे तैयारी कर रहा था मैं, है ना, उस टाइम पे प्रॉपरली मैं तैयारी नहीं कर पा रहा, जैसे पहले मैंने किया ना सिक्योरिटी की वजह से, मैंने स्टार्टिंग में जॉब ली है और लेकिन बाद में प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने, है ना, आई स्विच्ड, मुझे लगा कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि एक दो बार मैं दे चुका था, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं प्रॉपरली करना पड़ेगा तैयारी, और हाँ थोड़े पैसे इकट्ठे हो चुके थे, अब मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर इल हेल्थ है, ना यू विल हैव टू, देखो यू विल हैव टू जस्टिफाई कि तुम ही क्यों, है ना, जैसे फैमिली में और लोग भी है, तुम्हारे ऊपर ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ऐसा क्या था जो तुम ही कर सकते थे, डेलीगेट नहीं हो सकता था, और वो देखो कोई तंग नहीं करना चाह रहा है तुमको, है ना, और ऑब्वियसली देखो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाओगे, ये चीज समझना, उस टाइम पे अपना काम रखना है, क्योंकि सच में इतने टाइम रहे वो चीजें रही है, और साथ में क्या क्या कर रहे थे, है ना, तो वो चीज, तो उसका ध्यान रखना, आएगा क्वेश्चन लिखा हुआ रीजन रिमार्क्स, है ना, क्यों छोड़ा है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा हमको कि जॉब क्यों छोड़ी है, ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे फैमिली के बारे में, ठीक है, ये फैमिली में स्पाउस, है ना, अगर शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो क्वेश्चन बनते हैं कि सर इतने टाइम से, है ना, कैसे मैनेज करते हैं आप, है ना, कि फैमिली भी, बच्चे भी इतने बड़े बड़े, कैसे कर रहे हो, ये अगर मैरिड है तो ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ किस तरीके से, ना, और इसके साथ मैनेज करना किस तरीके से मैनेज किया, अगर डाइवोर्सी है तो डाइवोर्सी से क्वेश्चन की क्यों, ऐसे तंग नहीं करना चाह रहे हैं, बट हाँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ बताइए
जो जिसकी शादी नहीं हुई है जनरली उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट हमारा भगत देखो भी शादी हो जो ना एज लिखी हुई है 29 हो जानी चाहिए थी शादी, कोई 32 मतलब ज्यादा बड़ा है शादी नहीं हुई है, भाई साहब शादी क्यों नहीं करी उससे, ऐसे अदरवाइज जनरली नहीं ऐसे ना 24 है 25 है ठीक है एज ठीक है तो ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट हाँ मैरिड है क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर पेरेंट्स ना क्या करते हैं इसमें बन सकता है ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपके फैमिली के जो और मेंबर्स हैं सिस्टर्स ब्रदर्स पूछा जा सकता है, जैसे अगर अलग से दिया हुआ है या जैसे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी रिटायर्ड आईएएस है तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि, और हाँ उनके साथ रह के आपके जैसे बचपन के अपब्रिंगिंग है इसका एक्सपीरियंस हाउ इट कैन हेल्प इन सिविल सर्विस क्या एक अलग, या तुम अपने उसको भी रख सकते हो ना कि स्ट्रेंथ में इट्स अ स्ट्रेंथ यू सीन दी प्रोसेस बचपन से देख रहे हो कि उनकी फैमिली लाइफ कैसी है किस तरीके से डील कर रहे हैं ठीक है, या फिर तुम घर से इस तरीके से आए हुए ना एक हम्बल बैकग्राउंड है देखो औरों ने भी इतने मेहनत करी है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ